डियर स्टूडेंट, बी कॉम पार्ट सेकेंड में एंड एफ का सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। इसमें तीन यूनिट में से पहली यूनिट आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। उसमें पहला चैप्टर आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट है। मैं AQ चिश्ती, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़, आपके सामने विभागीय खाते से संबंधित एक एग्जाम्पल और इसका परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक PDF फाइल शेयर की है, जिसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होते हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, किस प्रकार से विभागीय खाते रखे जाते हैं आदि का उल्लेख किया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस PDF नोट्स को अवश्य अध्ययन करें। विभागीय खाते, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जब एक ही छत के नीचे एक व्यवसाय के कई सारे विभाग होते हैं और उन विभागों की लाभदायकता ज्ञात करने के लिए विभागीय खाते बनाए जाते हैं। विभागीय खाते बनाते समय पूर्व में जैसे हम लाभ हानि खाते बनाते थे, इसका प्रारूप भी लगभग वैसा ही होता है। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसमें दो डिपार्टमेंट हैं, व्यापार से संबंधित जितनी भी मदें होती हैं उनको आपको जैसे पूर्व में लाभानी खाते हम बनाते थे उसी प्रकार से लिखना है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको स्टॉक से संबंधित यानी माल से संबंधित लेखा करने हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, माल जो क्रय किया गया, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसी प्रकार से CR साइड में आपको सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक और इसके अलावा अगर कोई और मदें दे रखी हो, जैसे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न दे रखा हो, तो उसका भी लेखा करना है। व्यापार खाते से हमें सकल लाभ ज्ञात होता है। सकल लाभ के बाद हमारे को प्रश्न में यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हों तो उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसों को लिखकर व्यवसाय के शुद्ध लाभ प्रत्येक विभाग के हिसाब से और कुल व्यवसाय का जो लाभ हुआ है उसको ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर विभागीय खाते ज्ञात करते समय प्रश्न या कठिनाई तभी आती है जबकि इनडायरेक्ट खर्चों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। तो मैंने आपको उस PDF में बताया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, उनके क्या क्या आधार होते हैं, उसको अवश्य देखिएगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं को समझने की कोशिश करेंगे। अमन लिमिटेड के X और Y दो प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने के लिए विभागीय लाभानी खाता तैयार करना है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि माल खाते से संबंधित यानी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम आपको दिए गए हैं X और Y के अलग अलग। इन व्ययों को हम प्रत्यक्ष व्ययों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये प्रत्येक विभाग में अलग अलग किए जाते हैं। नीचे कुछ अप्रत्यक्ष व्यय भी आपको दिए गए हैं। विभागीय लाभ हानि खाता तयार करते समय इन अप्रत्यक्ष व्ययों का, जो कि सामूहिक रूप से व्यय दिए गए हैं, बंटवारा करना आवश्यक होता है। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक X के 55 और Y के 22 दिए गए हैं। परचेजेस X के 12 लाख और Y के 1,28,000 दिए गए हैं। वेजेजेस X के 2 लाख और Y के 30,000 रुपये दिए गए हैं। इसी प्रकार से सेल्स X की 16 लाख और Y की 4 लाख रुपये दी गई है। क्लोजिंग स्टॉक X का 50,000 और Y का 24,000 दिया गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट ऑफ बिल्डिंग, इनका अनुभाजन हमें चूँकि ब्रैकेट में दिया गया है कि एरिया ऑक्यूपाई किया गया है X और Y द्वारा 4:1 के अनुपात में, तो हम इनको इसी अनुपात में बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसे उचित आधार, चूँकि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन विक्रय से संबंधित होते हैं, इसलिए हम इनको विक्रय जो प्रत्येक विभाग का अलग अलग दिया गया है उस अनुपात में बांट देंगे। X विभाग के 16 लाख रुपए के विक्रय हैं और Y के 4 लाख रुपए के विक्रय हैं, तो हम इनको इन्हीं अनुपात में यानी 16:4, जिसे सरल करके हम 4:1 कर सकते हैं, उस अनुपात में बांट दिए जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है कि इनका भी अपोर्शन टर्नओवर के रेशियो में करना है, तो 20,000 रुपये को हम 4:1 के अनुपात में बांट देंगे। इसके पश्चात
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन करना है, तो टोटल जो खर्चे थे वो रेंट ऑफ बिल्डिंग के 50,000 रुपये हैं सामूहिक रूप से, एक्स और वाई में 40 और 10,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। एडवर्टाइजिंग के जो 70,000 रुपये हैं, एक्स और वाई में 56 और 14,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस के जो टोटल 20,000 रुपये हैं, एक्स और वाई में विक्रय के अनुपात में 4 और 1 के अनुपात में ये 16 और 4,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इन अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन करने के पश्चात हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि पूर्व में हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं उसी प्रकार से तैयार किया जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट होंगे उनके कॉलम बनाए जाएंगे और एक कॉलम टोटल का बनाया जाएगा। डीआर साइड में सारे खर्चे लिखे जाएंगे, सीआर साइड में सारी इनकम लिखी जाएंगी। व्यापार खाते के संबंधित सारी जितनी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है हम लिख देंगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक एक्स का 55,000, वाई का 22,000, टोटल 77,000 रुपये लिख दिया गया। परचेजेस एक्स के 12 लाख रुपये, वाई के 1,28,000 रुपये, टोटल 13,28,000 रुपये लिख दिए गए हैं। इसी प्रकार से वेजेस एक्स के 2 लाख और वाई के 30,000 रुपये हैं, टोटल 2,30,000 रुपये लिख दिए गए। सी आर साइड में सेल्स एक्स की 16 लाख रुपये और वाई के 4 लाख रुपये, टोटल 20,000 रुपये लिख दिए गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये एक्स के और वाई के 24,000, टोटल 74,000 रुपये लिख देने के पश्चात इनका टोटल कर लिया जाएगा और उसके पश्चात व्यवसाय का और प्रत्येक विभाग का सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। तो इसमें एक्स डिपार्टमेंट का 1,95,000 रुपये का सकल लाभ है और वाई डिपार्टमेंट का 2,44,000 रुपये का सकल लाभ आया है। इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे पी एंड एल अकाउंट में, और पी एंड एल अकाउंट में जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं उनका जो हमने अभी अनुभाजन किया है प्रत्येक विभाग में उनको चार्ज करके शुद्ध लाभ यानी प्रत्येक विभाग का कितना नेट प्रॉफिट है और व्यवसाय का कितना नेट प्रॉफिट है वो ज्ञात कर लिया जाएगा। तो जैसे कि रेंट ऑफ बिल्डिंग को अभी हमने बांटा है 4 और 1 अनुपात में, तो टोटल खर्चे 50,000 के हैं जिनमें एक्स के 40,000 रुपये लिखे जाएंगे, वाई के 10,000 रुपये लिखे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के एक्स के 56,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे, वाई के 14,000 रुपये, टोटल 70,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस में 16,000 रुपये एक्स के और 4,000 रुपये वाई के खाते में कॉलम में लिख दिए जाएंगे। टोटल में 20,000 रुपये लिखने के पश्चात हम शुद्ध लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न में जो एक्स का शुद्ध लाभ है वो 83,000 रुपये है और वाई का 2,16,000 रुपये का, टोटल व्यवसाय का 2,99,000 रुपये का लाभ है। तो ये एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन था जिसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा के बारे में